हेलो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना न भूलें और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडोज 7 के अंदर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन को ऐड कर सकते हैं। आप विंडोज 7 पे पासवर्ड लगाते हैं जो आपको लॉगिन स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो ज्यादा सिक्योर नहीं है। आप जो विंडोज 7 के अंदर पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो सैम यानी कि सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर उसके अंदर जाकर सेव हो जाता है, जो कि एक लोकल डाटाबेस है। तो विंडोज आपकी डाटाबेस जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए हैं उन पर एक डिफॉल्ट इंक्रिप्शन रखता है। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन ज्यादा सिक्योर नहीं होता है। इसको सिक्योर बनाने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन या फिर अपने खुद का एक इंक्रिप्शन की आप विंडोज पर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेस कीजिए विंडोज प्लस R, आपको दिखाई देगा रन बॉक्स। टाइप कीजिए SYSKEY और क्लिक कीजिए ओके। अब आपको यूजर अकाउंट कंट्रोल की तरफ से प्रमोट किया जाएगा, यस पर क्लिक करें। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक छोटी सी विंडो दिखाई दे रही है जिस पर लिखा है सिक्योरिंग द विंडोज अकाउंट डाटाबेस। अब आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा। यह एक तरह का टूल है जो आपके डाटाबेस है जिनमें पासवर्ड सेव होते हैं उनको एक एडिशनल इंक्रिप्शन दे देता है जिससे आप उनको बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रिप्शन इनेबल दिखा रखा है। अब हमें अपनी एक्स्ट्रा जो पासवर्ड है उसको एड करने के लिए आप क्लिक कीजिए अपडेट पर। अब आप अपने सामने एक दूसरी विंडोज देख सकते हैं जिस पर लिखा है स्टार्टअप की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले से ही एक ऑप्शन इनेबल किया गया है सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड के अंदर स्टोर स्टार्टअप की लोकली, मतलब जो लोकल डिस्क है आपकी उसी के अंदर आपकी इंक्रिप्शन की सेव होगी। लेकिन अब हमें इसको चेंज करना है। आप जो स्टार्टिंग के अंदर दिया हुआ है पासवर्ड स्टार्टअप उस पर क्लिक कीजिए और जो आप पासवर्ड एंटर करना चाहते हैं वो एंटर कर दीजिए। ध्यान रखिए ये पासवर्ड जरूरी नहीं कि सेम हो, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब ओके पर क्लिक कीजिए। अब आप एक डायलॉग बॉक्स देखेंगे सक्सेस द अकाउंट डाटाबेस स्टार्टअप की वाज चेंज्ड। अब आप देख सकते हैं कि आपने एक एक्स्ट्रा पासवर्ड एंटर कर दिया है अपने कंप्यूटर पर। अब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके देख लेते हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा पासवर्ड है वो इफेक्ट में है या नहीं। तो कंप्यूटर हो चुका है स्टार्ट। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक छोटी सी विंडो देख रहे हैं जिसके अंदर आपसे एक पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो ये वही एक्स्ट्रा पासवर्ड है जो हमने अभी ऐड किया था। इसके अंदर अपना जो पासवर्ड आपने टाइप किया था वो दे दीजिए और क्लिक कीजिए ओके बटन। आपको बता देता हूँ कि आप अगर इसके अंदर गलत पासवर्ड टाइप करोगे तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा, आप आगे एंटर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए या फिर सही पासवर्ड एंटर कीजिए। तो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि जो विंडोज की बाय डिफॉल्ट लॉगिन स्क्रीन, इसके अंदर अपना जो आपका पहले वाला पासवर्ड था जो आप बेसिक पासवर्ड हमेशा यूज करते हैं वो डालिए और आपका कंप्यूटर हो जाएगा स्टार्ट। अब हम देख सकते हैं डेस्क। तो ये था कि हम कैसे दूसरा पासवर्ड अपने विंडोज में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आप इसको रिमूव कर पाएंगे। तो रिमूव करने का भी सेम ही प्रोसीजर है। सबसे पहले आप प्रेस कीजिए विंडोज प्लस R का बटन, टाइप कीजिए सिस्टम की SYSKEY जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिए ओके बटन। यूजर अकाउंट कंट्रोल की तरफ से प्रमोट किया जाएगा, यस पर क्लिक कीजिए और आपको दिखाई दे रही है सेम विंडोज सिक्योरिंग द विंडोज अकाउंट डाटाबेस इंक्रिप्शन इज इनेबल्ड, क्लिक कीजिए अपडेट पर और आप देख सकते हैं कि आपका पहले वाला ऑप्शन ऑन है पासवर्ड स्टार्टअप, इसको चेंज कर दीजिए। क्लिक जो दूसरा बॉक्स बना हुआ है उस पर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड और इसके अंदर दूसरा जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए स्टोर स्टार्टअप की लोकली और ओके पर क्लिक कीजिए। अब आपसे स्टार्टअप पासवर्ड मांगा जाएगा जो हमने पहले दिया था, अपना पासवर्ड एंटर कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे एक आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है सक्सेस का और आप सक्सेसफुली अपना जो स्टार्टअप पासवर्ड है वो डिसेबल कर चुके हैं और एक बार अपने कंप्यूटर को कर लीजिए रीस्टार्ट। अब आपसे कोई दोबारा पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा, जो आपका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड था वो ही हम इसमें एंटर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगा और अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस कर पाएंगे।